2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी मायावती आज खुद मीडिया के सामने आई और भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोल दिया। मायावती ने कहा कि चुनावों से पहले भाजपा और कांग्रेस में खुद को ज्यादा बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने की होड़ चल रही है। पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। मायावती ने आरोप लगाया कि सॉफ्ट हिंदुत्ववादी छवि गढ़ने के लिए भाजपा और कांग्रेस बाकी धर्मों का अपमान कर रही है। जब यहाँ मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था और अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी की धार्मिक भावनाओं को या और उनके आस्था को ठेस पहुँचाया जाए तो मेरे ख्याल ये उचित नहीं है। वहीं मायावती ने उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर हो रही कार्रवाई को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते कार्रवाई हो रही है। तो 2024 चुनाव से पहले क्या यूपी में सियासत की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सभाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर के रिसेप्शन में भाजपा के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। सियासत में हर तस्वीर कुछ कहती है, ये तस्वीर भी 2024 के चुनाव से पहले सियासी कयासों को जन्म दे सकती है। दरअसल ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर का रिसेप्शन है जिसके चलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और खेल मंत्री गिरीश यादव सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के घर पहुंचे और नव दंपति को आशीर्वाद दिया। वाराणसी में अरुण राजभर के रिसेप्शन में यूपी सरकार के कई मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे और नव दंपति को आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रिसेप्शन में शामिल होने वाराणसी पहुंचेंगे। इससे पहले पीएम मोदी भी पत्र के जरिए ओपी राजभर को शुभकामनाएं दे चुके हैं। अब ये जान लीजिए कि सुभाषपा भाजपा के लिए क्यों अहम है। सुभाषपा का पूर्वांचल की कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। पूर्वांचल के 15 जिलों में ओपी राजभर का प्रभाव है। पूर्वांचल की गाजीपुर, मऊ, बलिया और चंदौली में प्रभाव है। इसके अलावा वाराणसी, मिर्जापुर, देवरिया में भी राजभर का दबदबा है। आजमगढ़, अंबेडकर नगर और गोरखपुर में राजभर वोट बैंक ज्यादा है। कुशीनगर और सोनभद्र में भी बड़ी संख्या में राजभर वोटर हैं। सुभाषपा से गठबंधन हुआ तो गाजीपुर और जौनपुर में भाजपा को फायदा संभव है। लालगंज, श्रावस्ती और आजमगढ़ सीट पर भी भाजपा को फायदा मिल सकता है। ऐसे में 2024 से पहले नए सियासी समीकरण देखने को मिल सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।